अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाँचवीं क्लास के अंदर माहौल में सबक नंबर 4 देखेंगे, हमारा ज़िला। इसकी पहले वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा भी दिया था और इसके सवाल जवाब भी करवाए थे, ठीक है। लेकिन आज हम इस सबक के सही और गलत देखेंगे, ठीक है। टोटल 5 दिए गए, आपको अच्छे से इसको करके बता देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखेंगे हम लोग, सभी ज़िले मिलकर तालुका बनता है। मैंने आपको समझाया था कि सभी जिलों को जब मिलाया जाए तो एक तालुका बनता है, तो क्या आएगा यहाँ पर सही या गलत? यहाँ जवाब क्या आएगा हमारा? सही आएगा, ठीक है। हम दूसरा सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, दिवाली हमारा कौमी त्यौहार है। मैंने आपको बताया था हमारा कौमी त्यौहार क्या है, ठीक है। दिवाली हमारा कौमी त्यौहार है नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा जवाब? गलत आएगा, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखेंगे, मशहूर ज़ियारतगाह और तारीखी मकामात पर लोग अपनी फर्ज अंजाम नहीं देते हैं, ये बात सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो तीसरे में क्या आएगा जवाब? सही आएगा। सवाल नंबर 4 देखेंगे हम, भारत की आज़ादी का दिन 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है। ये जो जुमला है ये सही है, बराबर सही आएंगे जवाब, ठीक है। नंबर 5 देखेंगे हम, दिवाली भाई बहन का त्यौहार है। आप सबको पता है कि भाई बहन का त्यौहार कौन सा होता है, तो दिवाली तो भाई बहन का त्यौहार नहीं है, तो यहाँ पे जवाब क्या आएगा? गलत आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 5 सवाल के जवाब अच्छे से आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है और उसका फोटो पाड़ के ग्रुप के अंदर भेज देना है, ठीक है। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम माहौल में सबक नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको जो समझाया था ये उसी के सवाल जवाब हैं, ठीक है। इसे अच्छे से ध्यान से इसको देखना भी है, उसके मैं जिस तरह से आपको सवाल जवाब करा रहा हूँ उसके ऊपर भी ध्यान देना है और ये सवाल जवाब आपको आपकी नोटबुक में भी लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ये इंस्ट्रक्शन देखना बहुत ज़रूरी है, ओके। नीचे दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल पसंद कीजिए, मतलब यहाँ पे आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए रहेंगे सवाल के अंदर और वो चारों में से कोई एक सवाल का सही जवाब रहेगा, वो आपको पसंद करना होगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं हम लोग, नीचे दिए गए त्यौहारों में से कौन सा त्यौहार कौमी त्यौहार है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए दिवाली, बी होली, सी आज़ादी का दिन या डी उत्तरायण। अब हमारा कौमी त्यौहार कौन सा है, तो है आज़ादी का दिन। क्या आएगा? आज़ादी का दिन, तो हम सही जवाब सी करेंगे, ओके, आज़ादी का दिन। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए त्यौहारों में से कौन सा त्यौहार पैसे के साथ जुड़ा हुआ है, पैसा मतलब काम, ठीक है। कौन सा त्यौहार काम के साथ जुड़ा हुआ है, ए आएगा होली, बी ईद, सी गांधी जयंती या डी रामनवमी। तो ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसमें लोग काम भी करते हैं, उनका काम भी होता है, ईद के दिन तो नहीं होता है, गांधी जयंती में भी नहीं होता है, रामनवमी में भी नहीं होता है, तो होली में होता है, होली बेचते हैं, है ना, और कुछ खरीदते हैं, इस तरह से ये पैसे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3, कौन सा त्यौहार समाज के सभी लोग मिलकर मनाते हैं, ऐसा कौन सा त्यौहार है जो समाज के सभी लोग मिलकर मनाते हैं, रक्षाबंधन नहीं, रक्षाबंधन तो भाई बहन का त्यौहार है, जन्मदिन, जन्मदिन तो एक ही इंसान का होता है, सब मिलकर नहीं मनाते, वसंत पंचमी ये सिर्फ हिंदू या जो ब्राह्मण होते वही मनाते हैं, इसके बाद दिवाली, तो ये चारों में से क्या आएगा जवाब? दिवाली, है ना। दिवाली ऐसा त्यौहार है जो समाज के सभी लोग मिलकर मनाते है, ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है, नीचे में से कौन सी चीज़ मेले में देखने नहीं मिलती है, हम लोग ने मेला तो देखा है ना, मेले में ऐसी कौन सी चीज़ें चारों में से जो हमें देखने नहीं मिलती है, ए जादू का खेल, बी झूले, सी समुद्र, डी मौत का खेल। चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने मेले में नहीं देखी है, तो समंदर है ना, समंदर हमने नहीं देखा है मेले के अंदर, ठीक है, तो सही जवाब क्या आएगा? समंदर। अब उसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर
5, नीचे में से कौन सा त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है? अब नीचे आपको जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको देखना है कि कौन सा त्यौहार भाई और बहन का त्यौहार है, ठीक है? ए है उत्तरायण, बी है रक्षाबंधन, सी है होली और डी है दिवाली। अब इसमें से ऐसा कौन सा त्यौहार है जो भाई बहन का है? तो क्या आएगा जवाब? बी, रक्षा बंधन। ठीक है, अब ये पाँचों पाँच सवाल के जवाब आपको आपकी नोटबुक में भी लिखना है और इसे आपको याद भी रखना है, और उसके बाद जिसका लिखना हो जाए वो इसका फोटो पाड़ के ग्रुप के अंदर भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5वीं के अंदर सबक नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा जिला। ठीक है, इसके पहले मैं आपको समझाया था हमारे जिले के बारे में और सवाल जवाब भी करवाए थे। ठीक है, आज हम देखेंगे खाली जगह। ओके, खाली जगह पूर्ण कीजिए। इसमें सबसे पहली खाली जगह हम देखेंगे, मेरे जिले का नाम खाली जगह है। ठीक है, सबको पता है हमारे जिले का नाम क्या है ना? हमारे जिले का नाम क्या आएगा? सूरत। ठीक है, इसके बाद दूसरी खाली जगह हम देखेंगे, यहाँ पे मेरे जिले की मशहूर जियारतगाह खाली जगह है। जियारत का तो पता है सबको, किसे किसे बोला जाता है यानी दरगाह या मंदिर, है ना? तो हमारे सूरत शहर के अंदर सबसे मशहूर जियारत गाह कौन सी है? तो हजरत ख्वाजा दाना रहमतुल्ला अलैह। ठीक है, तीसरी खाली जगह हम लोग देखेंगे, खाली जगह त्यौहार रंग का त्यौहार है। कौन सा त्यौहार रंग का त्यौहार कहा जाता है? तो क्या आएगा खाली जगह के अंदर? होली। ठीक है, होली को रंग का त्यौहार कहा जाता है। तो नंबर 4 खाली जगह पतंग और दोरी का त्यौहार है। पतंग और दोरी का त्यौहार किसे कहा जाता है? क्या आएगा? उत्तरायण। ओके, नंबर 5 ठंडी गर्मी और बारिश से बचने के लिए हम खाली जगह में रहते हैं। ठंडी गर्मी और बारिश से बचने के लिए हम कहाँ पे रहते हैं? सिंपल सा आंसर है ना, हम कहाँ रहते हैं? घर में। ठीक है, ये पांचों पांच खाली जगह आपको क्या करनी है? अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से लिखना है और इसका फोटो पाड़ के आपको ग्रुप के अंदर भेज देना है। ठीक है, थैंक यू।